हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वयं क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य, आप सभी का हिंदी मीडियम किस नंबर वन चैनल स्वयं क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास टेंथ के होनहार छात्रों, आज आपके ग्रामर सेक्शन का द एंड होने वाला है, यानी क्लास टेंथ में जिस भी सेक्शन से आपका ग्रामर पूछा जाएगा, चाहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच या हो आपके आर्टिकल्स या हो आपके रीऑर्डरिंग द सेंटेंस या हो पंचुएशन या हो रूल्स ऑफ द स्पेलिंग, पूरे आपके एमसीक्यू के रूप में आए हुए सारे ग्रामर आज आपको अगर तैयार कर लिया तो एमसीक्यू जो आपका ग्रामर होगा डन होगा, 100% वादा है मेरा, विथ रूल आपको सिखाऊंगा। तो पहले अपने सारे ग्रुपों में कर दीजिए शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 20 नंबर वाली। तो आज लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हो लिखा है ये कि I always go to park on the weekends, और यहां पे पार्क के नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है। पार्क के नीचे क्या है, अंडरलाइन कर दिया गया, यानी इसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन, तो इन सारे में से चार आपको देगा, कहेगा बताओ इनमें से का है। तो पार्क के नीचे पूछा है कि बताओ ये नाउन है कि ये वर्ब है कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। आई ऑलवेज गो टू पार्क, तो हम पहले इन चारों को डिफाइन करते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जिस वर्ड को हम बुलाने के लिए यूज करते हैं उसे नाउन कहते हैं। आपका एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बात करे, जिस उसके बारे में बताए, उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। जो हम एक्शन करते हैं वो हमारा वर्ब होता है, ठीक है। और प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के यानी किसी नाम के बदले हम वो नाम न लेके कुछ दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहां पे आई ऑलवेज गो टू पार्क, मैं पार्क, तो पार्क को हम क्या करते हैं, कहते अरे ये पार्क है, वो पार्क में घूमने गया है। तो पार्क को हम बुलाने के लिए यूज करते हैं, यानी पार्क इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो पार्क एक नाम है, तो जहां नाम होगा वहां पर ही नाउन होगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन ए हमारा सही जाएगा, यहां पे ऑप्शन ए सही जाएगा, नियम के साथ चलेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और आप तो इसे कहते आए हो बचपन से, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग एक्सेट्रा का बहुत बोलते हो। तो शॉर्टकट में बस समझ लो, बस आपको ऑप्शन में एकदम परफेक्ट जाना है। लिखा है ऑन कोल्ड विंटर डेज आई लव टू हैव अ कप ऑफ हॉट, ठीक है। तो यहां विंटर के पहले कोल्ड है, अब यहां पूछा है बताइए एडवर्ब है एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है। तो एक चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी छात्र देख रहे हो, सबसे अहम बात जो होता है, पहले तो हम ये ध्यान दे लें, जब हम आते हैं तो हमें जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे बढ़ते हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, तो हमें देखना होता है वहां पे नाउन, ठीक है, हमें देखना होता है प्रोनाउन, फिर हमें एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और एक हमारा इंटरजेक्शन, ठीक है, आठवां। तो इस तरह से आपका, अब इनमें हमें बच्चा कह रहा है कि आपका जो, तो आन कोल्ड विंटर, विंटर कैसा है, कोल्ड है, और विंटर को एक नाम है, एक सीजन का नाम है, एक ऋतु का नाम है। अगर किसी नाम के यानी किसी नाउन के बारे में
बताने के लिए अगर जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो यहां कोल्ड जो है विंटर को बता रहे, विंटर कैसा है, कोल्ड है, तो इसका मतलब यहां पे कोल्ड हमारा क्या होता है, कोल्ड को हम यहां एडजेक्टिव कहेंगे। कोल्ड हमारा यहां क्या बच्चा, कोल्ड हमारा यहां पर एडजेक्टिव है। ओके, आगे चलते हैं। अब लिखा है कि रोजर वनिस्टर फिनिश्ड द रोजर, ठीक है, वनिस्टर फिनिश द माइल रेस वेरी क्विकली इन 1954। तो यहां क्विकली, वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। तो यहां पर इसमें ऑप्शन दिया कि क्विकली जो अंडरलाइन है वो वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, ये आप थोड़ा सा गेस करना ये क्या है, बताओ बच्चा। हो गया, तो यहां पे याद रहे कि जिसके अंत में यलवाई लगा रहेगा, याद रखिएगा हमेशा आप कि वो आपका जो है एडवर्ब होता है। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी चाहे वो एडवर्ब का, वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन के बारे में बताए, हमेशा एडवर्ब होता है। और एडवर्ब की अधिकतर एडवर्ब क्या होता है, विथ या एलवाई उसमें होता है, विथ के साथ जुड़ा होगा या तो एलवाई होगा। ओके, तो यहां ये एडवर्ब है। ओके, अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट पे। आपको ऐसे ही एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं और आपको तैयार रहना है। पार्ट ऑफ स्पीच से भी हम चल रहे हैं, जिस जिस टॉपिक से आपका एमसीक्यू पूछा जाएगा सारे टॉपिक मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, चाहे वो टेंस का हो, चाहे आर्टिकल्स का हो, चाहे किसी चीज का। जुलाई इज माई फेवरेट मंथ, मंथ की विशेषता क्या है, माई फेवरेट, पसंदीदा महीना ऑफ द ईयर। तो यहां पर फेवरेट किस रूप में है, महीने को कहा गया, महीना कैसा है, पसंदीदा महीना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो ये नाउन होगा कि वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा। तो जब मंथ को मॉडिफाई कर रहा है क्लियर हो गया कि ये एडजेक्टिव के सिवा और कुछ नहीं होगा। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपका मंथ को मॉडिफाई कर रहा है, मंथ के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा यहां पर एडजेक्टिव है। अब हाउ ड्रोव हिज कार वेरी स्लोली डाउन द माउंटेन रोड। अब हम जहां तक जानते हैं जिस चीज को हमने क्लियर कर लिया है, आप आसानी से कह दोगे कि ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि नाउन है। अभी अभी जस्ट मैंने इस टाइप का आपको बताया, तो आप क्या इसको बताओगे, बताओ फटाफट जवाब दो, इसको क्या कहोगे, ये को एलवाई इसमें लगा हुआ, इसको क्या कहोगे आप। बताओ फटाफट जवाब देना चाहिए बच्चे, आपके पास से जवाब तेजी से आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, जिसके में एलवाई लगा है, काफी बच्चे आप कह रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या है कि वो एडवर्ब है और अभी अभी आपने पढ़ा। देखो आज की जब क्लास पढ़ लोगे उसके बाद खोलना, चाहे किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक लिए हो बच्चा, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट हो, पढ़ने के बाद जब लगाना फिर कहना फ्यू सर आज तो आपने जो बता दिया ना, हम कह रहे हैं कि हम अब एमसीक्यू कर जाएंगे। ये 20 नंबर आप क्या बताते हैं, वही बताते हैं जो आता है,
ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है कि बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल द प्रोजेक्ट। ओके, अब इसमें ए में लिखा है हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड और हैव कंप्लीटेड। तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल, और सेल जितने मोडल्स होते हैं वो अपने साथ हमेशा वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। वर्ब का क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अब यहां सेल है, हम सेल के साथ क्या अब लेंगे? अब यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि, लेकिन कंप्लीटिंग तो एकदम नहीं ले सकते हैं। अब वी के आया है तो वी सेल, और जब सेल के साथ एक ही चीज यूज किया जा सकता है वो है हैव। तो हम यहां पर इसके साथ जाएंगे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, हम यहां पर हैव के साथ ही जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहां ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे हम, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टूडे। तो अब एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो इच, आप इसका रूल समझिएगा कि यदि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, यदि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन क्या हो, एंड से जुड़ा हो, और उनके पहले इच या एवरी हो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अरे फर्स्ट फॉर्म करें सिंगुलर वर्ब लिख लो, यहां पर ये भी यूज कर सकते हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ये कह सकते हो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर इच बॉय एंड गर्ल है, तो अब यहां इच दो नाउन सिंगुलर है, एवरी लगा है, ये बॉय और गर्ल सिंगुलर, एवरी तो ये हमारा प्लूरल नहीं होगा, ये प्लूरल नहीं होगा, ये टुडे की वजह से ये पास्ट प्रेजेंट बता रहे, पास्ट नहीं होगा, बचा हमारा इच प्रेजेंट। तो केवल हमारा यही ऑप्शन जो है, जब इस दशा में होता तो हम ये देखते कौन नहीं हो सकता है उसको। ठीक है, आगे बढ़े तो लिखा है कि ही डेली फॉर ईयर और नाउ, यहां एक्सरसाइजेज होगा, वाज एक्सरसाइजेज होगा, हैज बीन एक्सरसाइजेज होगा, हैव बीन एक्सरसाइजेज होगा। तो हम देख सकते हैं कि ही एक्सरसाइजेज डेली फॉर ईयर नाउ, तो अब यहां किसको ये बता रहा है, यहां पे हमें ये ध्यान देना है। तो आप बताओ ये क्वेश्चन नंबर 8 में कहां कौन सा सही होगा, फटाफट जवाब दो, इसका जवाब दीजिए। तो यहां पर जब ईयर की बात को बात किया है तो काम कंप्लीटिंग की बात कर रहा है, और कंप्लीटिंग की बात कर रहा है तो यहां पे हमें हैव वर्ब का यूज करना है, ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, बचा है हमारा हैज बीन एक्सरसाइजिंग और हैव बीन एक्सरसाइजिंग, कंप्लीट भी है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये बात कर रहा है, कैसे जाने फॉर के वजह से।
अगर समय के साथ फॉर या सिंस दिया रहे तो वहां पे हम हैज बीन या हैव बीन लेते हैं, तो ही के साथ हैव बीन भी होगा नहीं, बचा है हमारा हैज बीन एक्सरसाइजिंग, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एकदम नियम के साथ जाइए, एकदम परफेक्ट आएंगे। सीता आर हर ब्रदर्स, याद रहे अगर बीच में और आ जाए अदरवाइज आ जाए और दोनों तरफ अगर नाउन है तो आप याद रखिएगा जो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वो लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो लास्ट वाला नाउन हमारा प्लूरल है तो हम देख रहे हैं इज लिखा है, आर लिखा है, हैज लिखा है, वाज लिखा है, इन चारों में प्लूरल वर्ब कौन है? इज तो है नहीं, हैज तो हो नहीं, वाज है नहीं, तो प्लूरल है कौन? आर जो है प्लूरल के साथ ही लगता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। ओके बच्चा, यहां ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो लिखा है द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली, तो द न्यूज अब सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब यहां पर नॉट अपडेटेड टाइमली तो यहां पर हैव नॉट होगा कि इज नॉट अपडेटेड टाइमली? आप इसे सोच समझ के बता सकते हो कि यहां पर क्या होना चाहिए, बताइए न्यूज के साथ हमें क्या कहां पर जाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे न्यूज या इनिंग्स, ये हमेशा अपने आप में सिंगुलर होते हैं। तो अब यहां पे पास्ट की बात हो नहीं रही है, लेफ्ट है नहीं, हैव हो नहीं, प्लूरल है दोनों, बच रहा है हमारा इज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब आते हैं ही नो नाउ हाउ टू ट्रीट लेडी, तो अब आपको बताया है कि अ एंड कहां लगता है, अगर क से ज्ञ के बीच का साउंड अगर आता है तो हम वहां जो है अ लगाते हैं, अ से अह के बीच का अगर साउंड आता है हिंदी में बोलने पर उसका हिंदी साउंड देखते हैं पहला अक्षर क्या है तो यहां एन लगाते हैं। लेकिन अब यहां पर तो कोई विशेष परिस्थिति है नहीं, नो आर्टिकल ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, आर्टिकल लगेगा यहां पर तो द नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा लेडी, तो जब हम इसको कहेंगे लेडी तो यहां आ जाएगा क्या लॉ, किसको क्लियर करता है इस वाले को, यानी तो हम यहां पर हमारा ऑप्शन अ यहां क्या भरा जाएगा अ लेडी, ठीक है। अब जनरली बॉयज आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, अब यहां पर आपका अ एन तो प्लूरल के साथ अ एन लगता ही नहीं क्योंकि अ एन किसको क्लियर करता है, सिंगुलर को क्लियर करता है, तो अ एन होगा नहीं, नो आर्टिकल की बात ही नहीं है, यहां पर द सही होगा बिल्कुल। जनरली यानी विशेष चर्चा की बात आ रही है तो यहां पर अब द क्या हम यूज करेंगे, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। सारे ऑप्शन आज आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल कहीं से भी आपको गलत नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ बच्चे कह रहे हैं हां सर आगे बढ़िए। ओके अगला आते हैं, बिल्कुल जितने देख रहे बच्चा रुकना नहीं है, सारे ग्रुप में शेयर कर दो, ये आपके एक भी ग्रामर का सेक्शन रॉन्ग नहीं जाएगा, आप पूरा कर लोगे। पढ़ने के बाद जैसी क्लास खत्म हो प्रैक्टिस सेट उठा के लगना अपना लगाने, देखना कैसे हर को लगाया गया टिक आपका सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लॉस एंजल्स हैज, ठीक है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, या तो उसके पहले मोस्ट लगा हो या उसके लास्ट में ईएसटी ये जुड़ा हुआ हो, लास्ट में वर्ड यानी एडजेक्टिव में क्या हो, एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी जुड़ा हो या उसके पहले मोस्ट। अब मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब अगर आगे हम बढ़ते हैं तो फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, तो वह भोजन जहां यह वह का अर्थ निकले वहां पर भी हमारा आर्टिकल द जाता है, तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। अब अगर आगे बढ़े, रोजेज
रेड द इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर, ठीक है। तो इसको अगर हम जाएंगे रेड, तो माई रेड रोजेज आर फुल इन द गार्डन, ये होगा नहीं, ठीक है। ये तो अब हमारा ऑप्शन दिख रहा है जो है वो क्या, द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बर्ड बस इन हैंड अ वर्क इज टू इन द, इनको रीऑर्डर करना है एक सेंटेंस में, टू इन द बुश ये होगा नहीं, अ हैंड इन अ बर्ड होगा नहीं, और इन हैंड अ बर्ड ये, तो हमको तीसरा वाला ऑप्शन जो दिख रहा है बिल्कुल सही दिख रहा है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्क टू इन द बुश। ओके बच्चा, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग्स। एक्सरसाइज डूइंग नहीं होता है, डूइंग एक्सरसाइज होता है। तो यह हमको डायरेक्ट हम लोगों को आंसर दिख गया है, डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। बाकी तो सेंटेंस पढ़ के ही हंसी आ जा रही है कि नहीं हो सकता। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, डिफिनीशन, अटेंडेंस, एक्सरसाइज, डिविजन। अब यहां पर कौन करेक्ट है, यहां कई करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहां मिस स्पेल्ड के जगह इनकरेक्ट कहा जाए तो यहां एक्सरसाइज में हम चले जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना लेते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सर्वेंट इसमें क्या होता है, सर्वेंट जो है सबसे करेक्ट वर्ड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। कमिटी, आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे जो कह रहा है करेक्ट स्पेलिंग कौन है, ना ये है और ना ही ये है, तो सही कहां से होगा कौन, तो कमिटी। ये देखो दो ऑप्शन यहां दिया है, यहां ए और सी दोनों के साथ जाएंगे, थोड़ा यहां एक मिस्टेक करना चाहिए था, लेकिन पूरा सही लिख दिया गया है, ठीक है। तो हमारा एक कमिटी सही है। अब फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, गलत कौन है, गलत कौन है यहां, एनएक्स, एनिमेट, एनिमोस्ट्री, एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी हमारा गलत वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे जाने से पहले जितने छात्र देख रहे हो आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में एक अच्छे मार्क्स आपके आए और आपका हर एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास आपका, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, हर एक सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे मात्र 499 रुपए पे करके। आपको जुड़ना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन के साथ, जहां पर आपको तीन तीन बैच मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच, ठीक है। यहां पर तीनों बैच में आपको, ठीक है, जुड़ने के लिए करना क्या है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, शुभम क्लासेज एप्लीकेशन सर्च करना है और उसे इंस्टॉल करना है और ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद, ऐप ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, वहीं से आपको 499 रुपए पे कर देना है ऐप से ही, और सीधे आप सभी बैच से जुड़ जाओगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आप यहां से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारे बैच से आप जुड़ जाओगे। तो एक प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद अब हम बात करेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट के। दूसरा प्रैक्टिस सेट भी बहुत शानदार रहने वाला, जैसे अभी भी आपने देखा पहले प्रैक्टिस सेट में आपकी जो भी ग्रामर से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे सारे टॉपिक आपको मैंने क्लियर कराया है। तो अब यहां पर हम देखें, पहला है हमारा कि ही ड्राइव्स एट अ स्पीड, ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 माइल्स आवर। ये क्या लिखा है, आवर, इसे हम आवर पढ़ेंगे। अब ये शुरू तो है यच से, लेकिन मैंने अभी अभी बताया आपको कि अगर ये क से ज्ञ,
कौ से ग्यों के बीच की बात हो तो वहां पे हम अ लगाते हैं, अ से अह के बीच साउंड आए हिंदी का तो एन लगाते हैं। तो यहां पर हम किसके साथ जाएंगे, क्या द होगा या अ होगा या एन या नो आर्टिकल? तो इतना तो है कि हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया है कि इसके साथ जो है क्या होगा, एन होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होता हुआ। ओके, आगे आते हैं। लिखा है कि वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर। अब फॉर डिनर लिखा है, अब आप ये बताओ फॉर अ डिनर तो यहां पर क्या यूज किया जाना चाहिए आपके द्वारा? ये जवाब हम चाहते हैं, बताइए फटाफट इसका जवाब क्या हो जाए। तो यहां पर याद रहे फॉर डिनर, डिनर एक ऐसा शब्द है जिसके पहले आप लोग बहुत अचंभे में थे कि एन द में से क्या लगेगा, तो यहां नो आर्टिकल, यहां किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अब अगला है आपका कि मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन इन आवर फ्रॉम नाउ। अभी जैसा कि ऊपर आपने लिख लिया है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, यहां क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा, तो यहां तक बच्चों कंफर्म है, अब तक जैसा कि कंफर्म करते आए हो आप लोग। ओके चलिए, तो आगे बढ़े बच्चों। अगला आपका जो क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। लिखा है आपका आई लाइक टू वॉच, आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, इट इज अ वेरी गुड गेम। हमने तो वेरी शब्द के पहले याद रखिएगा आपका अ ही आता है, तो यहां ना एन हो सकता है, ना नो आर्टिकल, ना द। यहां जब भी आप जाओगे तो यहां क्या फील किया जाएगा, आपका आर्टिकल अ यूज किया जाएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक। यहां पे प्रेसिडेंट, तो जब कोई एक विशेष व्यक्ति होता है तो हम जहां जिसका सम्मान करते हैं वहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए कौन सा आर्टिकल यूज होगा। क्या वहां पर हम एन लिख सकते हैं, क्या वहां पे हम नो आर्टिकल की बात ही नहीं, यानी आर्टिकल तो लगेगा। तो यहां पे अगर हम देखें प्रेसिडेंट की अगर बात की जा रही है, तो हम ये थोड़े कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक राष्ट्रपति होते कि वह काउंट करने जाएंगे। तो हम यहां पर आर्टिकल द यूज किया जाएगा और ऑप्शन नंबर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द प्रेसिडेंट, तो यहां पर आर्टिकल हमारा द यूज होगा। ओके, यहां तक एकदम क्लियर हो गया है आपका, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हाँ नहीं। अभी इसमें भी आपको लगे कि अरे भाई कहीं ये डाउट है, ये कुछ ऐसा, पूरी तरह कंफर्म रहना है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला है हमारा कि डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस योर। इसको हमें पहले क्या करना है, क्योंकि रीऑर्डर का ये टॉपिक अभी अभी मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में क्लियर किया। रीऑर्डर में हमें क्या, पहले सब्जेक्ट के पार्ट को ऐड करना होता है, फिर हमें प्रेडिकेट के पार्ट को। ओके,
समझ गए, पहले सब्जेक्ट के फिर प्रेडिकेट के पार्ट को। तो हम आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस योर, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि डू योर प्रेसियस टाइम नॉट वेस्ट, कहीं पर भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। आगे डू नॉट, हां डू के बाद नॉट आ सकता है, ये थोड़ा कुछ हद तक देखा जा सकता है, डू नॉट योर प्रेसियस टाइम वेस्ट, लेकिन डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो रहा है। आगे बढ़े तो ये लिखा है डू नॉट वेस्ट, मत बर्बाद करो प्रीसियस टाइम, कीमती समय, हाँ ये सही जा रहा है सेंटेंस। तो हमने देखा कि इसको जो सेट किया है एक ऐसा सेंटेंस उन्हीं वर्ड से होना चाहिए आपका रीऑर्डर में जिसका एक सेंस निकलता हो। यहां योर प्रीसियस टाइम वेस्ट, डू नॉट कभी नहीं हो सकता लास्ट में। तो बच हमारा पूरी तरह क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ये सी है, ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही है। ओके बच्चे, नेक्स्ट पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान देना है हम लोगों को। लिखा है कि ट्रेवलिंग माई एंड आर मदर फॉन्ड ऑफ फादर, ओके। ट्रेवलिंग माई एंड आर मदर फॉन्ड ऑफ फादर, तो यहां पर उसी प्रकार देखो रीऑर्डर अगर एमसीक्यू में जब आता है ना, तो यहां पे आसान हो जाता है कि हम उसको देखे चाहे ना देखे, नीचे का सेंटेंस देखे कौन सेंस सही दे रहा है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। माई मदर एंड फादर, ये तो सही जा रहा है कि माई मदर एंड फादर आर भी सही है। फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, आगे देखा जाए फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग आर माई मदर, ये तुरंत गलत। माई मदर एंड फादर ट्रेवलिंग आर गलत, ट्रेवलिंग आर। तो इस तरह पहला ऑप्शन तुरंत क्लियर कर देता है कि जो हमारा इस दिए गए का जो ये ऑप्शन है वह ए सही होगा, ओके। अब यही चीज हम आगे के सेंटेंस के लिए भी देखेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि कप प्रोसेस और मेकिंग ऑफ टेडा वेरी सिंपल अ, ठीक है। ये सारे वर्ड इन्हें जंबल वर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां है क्या आपका, लिखा है कि अ कप ऑफ टी इज मेकिंग वेरी सिंपल प्रोसेस, अ कप ऑफ टी इज मेकिंग वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। या अब अ कप ऑफ टी इज मेकिंग, अ कप ऑफ टी चाय बना रहा है, बिल्कुल रॉन्ग। अ कप ऑफ टी इज वेरी सिंपल मेकिंग प्रोसेस, ये भी रॉन्ग सेंटेंस जा रहा है। मेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है, मेकिंग अ कप ऑफ टी इज वेरी सिंपल प्रोसेस, चाय बनाना क्या है। तो यहां पर ये देखिए टूल हुआ, लेकिन यहां होना क्या चाहिए, यहां ऑफ होना चाहिए, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ठीक नहीं है, ऑफ टी है बस ये, ठीक है। तो मेकिंग अ कप ऑफ टी इज वेरी सिंपल प्रोसेस, यही सेंटेंस हमारा सही जा रहा है, बाकी तो सेंटेंस रॉन्ग में है। तो यहां पर हम आ जाएंगे इसके साथ, यानी इसका जो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, ओके बच्चों। देखो जितने टाइप से आपके पूछे जाएंगे ग्रामर, मैं सारे टाइप के आपके ग्रामर ले रहा हूं, ठीक है। अगला है वॉच, फिर लिखा है ब्राइट, द, गोइंग टू सी, बाई, अ ब्यूटीफुल फॉर ड्रेस। अब इसको हमें बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसको रीऑर्डर करना है, सही क्रम में लाना है। तो चलिए, अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड,
ठीक है। तो यहां पर तो सी सब्जेक्ट के रूप में बाय सी, तो पहला तो हमको एकदम नहीं लग रहा। सी वॉज गोइंग, वो जा रही है टू बाई, खरीदने अ ब्यूटीफुल ड्रेस, द ब्राइड, फॉर लिख दिया है, फॉर द ब्राइड होता तो सही ले लिया जाता। तो यहां बी वाला भी गलत जा रहा है, सी वाला भी गलत जा रहा है, क्या अगला डी वाला सही जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो यहां तो डी ऑप्शन ही नहीं है, डी ऑप्शन ही गायब, लेकिन डी वाला ही, तो क्या हो जाता इसका सही, चलो हम इसको सही कर देते हैं, ऑप्शन नहीं दिया है फिर भी हम इसे सही करके दिखा देते हैं। तो आप लिखोगे सी वॉज गोइंग टू, आंसर जो आप इसी बी वाले लाइन से ही ध्यान दीजिएगा, इसका सही क्या होगा, सी वॉज गोइंग टू बाई अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सी वॉज गोइंग टू अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर द ब्राइड, ओके बच्चे। तो अब ऑप्शन उसमें नहीं था, अब एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसा नहीं है, तो मिस प्रिंट थोड़ा सा हो गया अलग बात है, लेकिन एग्जाम में ये चीजें नहीं होंगी आपके साथ। अगला क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर लें, तो ये लिख रहा है कि चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें उस वर्ड को चुनिए जो गलत लिखा गया है, यानी रूल्स ऑफ स्पेलिंग के थ्रू वो गलत जा रहा है, वो सेमेस्टर है कि सेंसरी, सेंसेंट, सेलेसियस, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। जवाब दीजिए मेरे होनहार छात्रों, फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा होगा यहां पर, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप जितने आप सोच रहे हो कि हाँ ये सेमेस्टर की इंग्लिश ये रॉन्ग जा रही है, सेंसरी भी रॉन्ग जा रही है, तो सही कौन जा रहा है, तो यहां पर पूछा है कि चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, जो अगर ये रॉन्ग कह रहे हो आप, तो हमें यहां पे कहा है कि कौन जो है रॉन्ग जा रहा है, तो आप जो है सही वाले पे रॉन्ग कह रहे हो कि ये सही है उसको रॉन्ग पे। क्या सेमेस्टर आपको रॉन्ग लगता है, क्या सेमेस्टर आपको रॉन्ग लगता है ये बता दीजिए, जितने देख रहे हो सभी बताओ, सेमेस्टर रॉन्ग हो सकता है, आप क्लियर कर लो खुद अपने आप में, आखिर सेमेस्टर रॉन्ग किस तरीके से आप इसको रॉन्ग कह सकते हो ये बताओ। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप ये देख रहे हो, जो इसकी स्पेलिंग होती है बच्चा, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है SENSCENT होती है, ठीक है, जबकि ये सही है, ये सही है, ये सही स्पेलिंग है। तो जब सही स्पेलिंग है तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो पूछा रॉन्गली स्पेल्ड कौन है, गलत तरीके से कौन लिखा है, तो वो है हमारा ये। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, गलत स्पेलिंग लिखी गई है, सही स्पेलिंग वो है उसकी। अब है यहां पर कि चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, ये टीजर, टीडियस, ठीक है, टी थिंग, आटी टोलर, तो तीन तो स्पेलिंग हमको ऑलरेडी ऐसी अच्छी लग रही है। हम टीजर तो भाई आप इतने मूवी के देख दीवाने हो, कह ले इतने देखने वाले हो कि आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन यहां पर ये टेडियस भी सही जा रहा है,
तो हमको तो भाई जब तीन को हम सही जा रहे हैं, ए वाला, बी वाला, सी वाला, तो गलत कौन होगा? तो गलत हमारा टिटोलर है भी, ये सत्य है कि गलत है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब यहां पे आप सोच रहे हो कि सही स्पेलिंग क्या होगी, तो ये जो डबल एल है वो डबल एल नहीं होता है, वो सिंगल एल होता है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जिसके लास्ट में एल डबल एल होता है हट जाता है स्पेलिंग में डबल करते समय। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल, अब तक आपसे रॉन्ग स्पेल्ड पूछ रहा था, अब आपसे ठीक अपोजिट तरीके से क्वेश्चन घुमाया है, कहा है कि आप बताइए कि करेक्ट स्पेलिंग कौन है ग्रेट राइटर की, ठीक है, शेक्सपियर। अब आप इंग्लिश अब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं मुझे ही शेक्सपियर की इंग्लिश न आए और आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको भी इंग्लिश के एक महान ड्रामाटिस्ट, महान यानी ग्रेट पोएट, ग्रेट राइटर, ठीक है, शेक्सपियर की इंग्लिश न आए तो फिर तो भाई, तो यहां पे करेक्ट तो हम तो तुरंत कह देंगे कि ये भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है। हाँ, और शेक्सपियर की इंग्लिश क्या होती है, शेक्सपियर की, ये हमारा ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जा रहे हैं। और आप याद रखिएगा हमेशा इंग्लिश में कभी भी आपसे कहीं पर भी शेक्सपियर की स्पेलिंग पूछी जा सकती है, ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया, हम आगे बढ़े, हम बताइए जितने छात्र देख रहे बच्चा अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा टॉपिक ना ऐसा प्रैक्टिस सेट कहीं मिला है ना मिल पाएगा, ठीक है, जो आप चीज सीख रहे हो ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज है, जिस तरीके का पेपर आएगा उस तरीके की आपको प्रैक्टिस सेट हम दे रहे हैं, ओके, चलो फटाफट नोट करो। ये क्लियर बच्चे, चलो आगे आते हैं। अगला है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, कौन इसमें करेक्ट है आप ही बता दो, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, इनमें आपको बताना है कि करेक्ट स्पेल वर्ड कौन है। थोड़ा सा माइंड अगर लगाओगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तीन आपको साक्षात रॉन्ग दिख रहे हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग हम अधिकतर करते रहते हैं हमेशा हम लोग, वो वर्ड कौन सा है, एफिडेविट की बात हो रही है और एफिडेविट हमेशा बनाते हैं लोग, सब लोग बनवाते हैं, तो यहां पर कौन सा सही होगा ये आप ही को बताना है, ठीक है। एफिडेविट में स्पेलिंग क्या होती है, ए डबल एफ ही लिखा है तो ये तो तुरंत रॉन्ग हो जा रहा है, यहां एफ केवल सिंगल है, यहां तक तो सही था, यहां तक सही था, लेकिन यहां जो डी के बाद ई है ये रॉन्ग चला जा रहा है, तो हमारा सही स्पेलिंग क्या हो रहा है एफिडेविट का, हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, अगला है कि सी वॉच टू द पार्टी, अब यहां वाज आया हुआ है, यहां गो लिखा है, यहां गॉन लिखा है, यहां वेंट लिखा है और गोइंग लिखा है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि बी वर्ब, बी एक वर्ब है और इसमें पांच सहायक क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और इन पांच सहायक क्रियाओं के साथ जो है हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन की जाएंगे, तो यहां डी में लिखा है आईएनजी, तो हमारा यहां पर गोइंग करेक्ट होगा, ओके।
अब आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। यहां पर है आपका हैव बीन, हैड बीन, शैल बी या एम। तो वर्किंग शब्द आया है एंड जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, जस्ट फिनिश्ड। तो यहां पर तो हम फ्यूचर के साथ जाएंगे नहीं, पास्ट के साथ जाएंगे नहीं, और एम तो यहां हो ही गया नहीं, आईएनजी आया है, तो यह तो ये हमारा कट हो रहा है, ये हमारा कट हो रहा है। तो हम आ रहा ऑप्शन ए के साथ ही हम जा सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून। ठीक है, अब कहोगे सर क्या हैव बीन या एम नहीं हो सकता है? तो अब हमें थोड़ा सा तो अब यहां पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि हां भाई आपने पूरी तरह परफेक्ट कैसे हैव बीन को कह दोगे? कुछ भी तो वहां डाउट आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए। वो क्या है डाउट बताओ, जहां आप उसके साथ नहीं जाना चाहोगे, वो डाउट बताओ। तो यहां पर अब कंफ्यूजन आपकी दूर करते हुए कि आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द, तो यहां पर ना हम जा रहे हैं किसके साथ, हैव बीन के साथ, ना हैड बीन के साथ, ना एम के साथ। अभी हम किसके साथ चले जाएं, ये हमारा पूरी तरह याद होना चाहिए कि हम जा रहे हैं वहां पास्ट को करते हम यहां हैड बीन के साथ चले जाएंगे। किसके साथ? लो अब ये हुआ नया अनोखा चीज, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये बिल्कुल बहुत सही सवाल है, और बहुत सवाल क्या, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग, हैड बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, हैड ये तो गलत ही छपा हुआ है, शैल बी रीडिंग तो चूंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं, बचा है हैड बीन और रीडिंग, तो यहां आई के साथ हैज लग नहीं सकता। तो क्लियर सारा आपका बस हो रहा हैड बीन रीडिंग, यानी 15 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ओके, अब है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट, टू डजन रुपीज कोस्ट्स कॉस्ट कॉस्टिंग कॉस्टेड। यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, फटाफट जवाब आप दे दो मेरे प्यारे बच्चों, यहां कौन सा सही होगा? जैसा कि टू डोजन लिखा है तो आपको याद रहना चाहिए कि उसके जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो या तो वहां पे आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और यस या यस लगता है, तो पहले तो आईएनजी वाले को कैंसिल हम कर देते हैं। अब वहां पास्ट को ये दर्शा नहीं रहा है, बचा इन दोनों में, तो वो टू डजन ही प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे, यस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ये भी नहीं होगा, तो बचा हमारा क्या, कॉस्ट बचा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, लिखा कि हाउ मेनी हॉट डॉग्स डिड योर फ्रेंड इट यस्टरडे। ये बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच से जब क्वेश्चन पूछता है बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें सबसे आसान इस चीज क्या होती है, जब कोई चीज बुलाने वाली हो तो नाउन होता है, किसी नाउन के बारे में बताए एडजेक्टिव होता है, कोई हमारी एक्शन को बताए, काम को जो करते हैं उसे बताए तो वर्ब होता है, एलवाई या एडवर्ब होता है। तो इट यस्टरडे अगर फ्रेंड को पूछता तो नाउन हो जाता। ठीक है, हॉट डॉग्स कह रहा है यहां पर, डॉग्स कहता तो नाउन होता, हॉट कौन है डॉग्स, हॉट को पूछता तो एडजेक्टिव हो जाता, और योर फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है, योर आपका एडजेक्टिव हो जाता। तो यहां इट क्या है, तो इट को पूछा है, उसकी के नीचे अंडरलाइन किया गया है। आप कहोगे सर आपने तो सबके नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो यह ब्लैक अंडरलाइन इट के नीचे है। तो ये यहां पर किस रूप में, इट मतलब खाना, हमारे एक्टिविटी को बताया गया है,
तो ये यहां पर वर्ब है, ये यहां पर क्या है, वर्ब है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिखा है यहां पर कि हर फादर यानी फादर, बहुत ही प्यारा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, हर फादर, फादर के नीचे आपका अंडरलाइन क्या है, फाइल्स टू मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज अ पायलट। पूरा सेंटेंस पढ़ने से मतलब ही नहीं होना चाहिए, हमें बस देखना है। देखो यही प्रैक्टिस सेट का यही तो आनंद है कि अगर दो चार प्रैक्टिस सेट अगर तैयार हो जाए फिर कुछ भी पूछे, हमको खाली बस तरीका देखना है, ढेर नियम पे नहीं जाना है, बस तरीके पे जाना है। तो यहां फादर क्या है, फादर को हम बुलाते हैं, जो वर्ड बुलाने के लिए यूज किए जाते हैं नाउन होते हैं। माय सिस्टर इज वेरी स्मार्ट, स्मार्ट किसको कहा गया, नाउन को कहा गया, सिस्टर को, ठीक है। तो अब यहां अगर वेरी पूछता एडजेक्टिव को बताता, वेरी एडवर्ब कहलाता है यहां पर, लेकिन स्मार्ट जो है नाउन को बता रहा है, जो नाउन को बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो स्मार्ट यहां पर एडजेक्टिव होगा। अगला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। अब स्टेट क्या है, लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट को पूछता तो स्टेट, स्टेट को हम क्या कहते हैं, हां ये स्टेट है, बुलाने के लिए यूज करते हैं। लार्जेस्ट पूछता तो एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन यहां और वेस्टर्न पूछता, वेस्टर्न किसकी विशेषता है, वो ऑस्ट्रेलिया को कह रहा है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न एडजेक्टिव हो जाता, लार्जेस्ट एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन जो ये देश का नाम है और ये स्टेट, इसको भी हम बुलाते हैं, ये राज्य, तो यहां पर ये क्या होगा, नाउन होगा, स्टेट में क्या है, नाउन है, ठीक है, स्टेट एक नाउन है, ये होगा हमारा ऑप्शन। यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा, आपको भी लग रहा होगा इस तरीके से अगर एमसीक्यू आते हैं तो हम भैया हम पास हो गए हैं, एकदम पास हो जाओगे बच्चा। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का सक्सेसफुल, सक्सेसफुली, तो सक्सेस, ठीक है, सफलता, सक्सीडिंग, यहां पर आप बताओ क्या होगा, इसका नाउन क्या होगा ये बताओ, यहां नाउन क्या होगा इसका, बिल्कुल एल वाई हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बच कौन सा रहा है, सक्सेस बच रहा है बच्चवा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कहां गया, ये तो वही हुआ, ठीक है, बकरी घास खा रही लेकिन घास है कहां, ठीक है, तो यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, थोड़ा मिस्टेक है बच्चा, सेंटेंस ही गायब है, रुक जाओ। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो जो टेंस कहता है उसका सहायक क्रिया और हेल्पिंग वर्ब हमें याद होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द बॉयज हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है, यहां यहां आर की जगह हैड है, इसे थर्ड फॉर्म, ऐसा ऑप्शन हमें डी में देखने को मिल रहा है, किसमें, डी में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर डी हमारा, टेंस से पूछे तो इस तरीके से जाएंगे कि वहां पे सहायक क्रिया वर्ब का फॉर्म चेंज कर दो फिर ऑप्शन में मैच कर लो। ओके बच्चे चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट दिया है मेरे होनहार छात्रों, द स्काई ग्रीव डार्क, कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ब, तो यहां पर लिखा है आपका डार्क स्काई है, द वर्ब कौन है, तो स्काई बुलाते हैं नाउन है, डार्क कौन डार्क है, स्काई को बता रहा है, तो डार्क एडजेक्टिव हो गया, क्या अंधेरा, वर्ब कौन सा है, तो ग्रीव, तो यहां ग्रीव हमारा वर्ब यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। ओके बच्चे अब कह रहा है यहां देखो सेंटेंस है, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो यहां माई शूज आर मेड लेदर, तो फ्रॉम ऑफ बाई ऑन, यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका फटाफट जवाब दे दीजिए,
माई सूज। तो जब मेड आता है तो हम कहते हैं तुरंत हमको जवाब आ जाता है कि मेड ऑफ, तो यह मेड ऑफ सी। ठीक है, तो ये रहे आपके सभी प्रैक्टिस सेट। ऐसे जो नियम, जो एकाध दो तरीका छूटा है, अब इन्हीं में से अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी छात्र देख रहे, अगर चाहते हो सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए और बहुत सारे जो मैंने तैयार किए वो सब मिले, तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा शुभम क्लासेस एप्लीकेशन के साथ, जहां पर आपको मिलता है मात्र 499 रुपए में तीन तीन बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, क्रैश कोर्स, टॉप 100 बैच। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो भी फर्स्ट डिवीजन आप इस बैच से जुड़कर ला सकते हो। इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या, जाना है सबसे पहले शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में। और वो कहां से मिलेगा, एप्लीकेशन आपको कहां से मिलेगा, तो आप सबकी मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को, और ओपन करके वहीं से आप 499 रुपए पे करके सारे बैच से आप डायरेक्ट जुड़ जाओगे, जहां आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको ऐप से पेमेंट करना नहीं आ रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पाते हो किसी से भी, साइबर से, जहां से भी हो, किसी भी माध्यम से इसी नंबर पे पेमेंट करा के उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दो, तो भी सारे बैच से आप जुड़ जाओगे और आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहेगी। तो अब देर नहीं करना है, और अभी भी जो छात्र देख रहे थे और अपने ग्रुपों में शेयर करना छोड़े हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब जरूर करके रखे चैनल को, नोटिफिकेशन आपके आनी चाहिए तो बेल आइकन भी प्रेस कर लो। मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा, गुड लक।